भू आकृति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनाच्छादन कालानुक्रम डेनुडेशन क्रोनोलॉजी। डेनुडेशन के बारे में आप परिचित हैं और क्रोनोलॉजी काल विज्ञान है, समय विज्ञान है। वैसे तो भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है जिसमें स्थानों में पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के वितरण के कारण और उसके परिणाम का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस स्थानिक विषय कहा जाता है। लेकिन क्रोनोलॉजी इतिहास होता है, समय होता है और इतिहास का संबंध भूगोल से गहरा है। हम यदि किसी स्थल रूप को आज देख रहे हैं तो उसके पीछे कुछ हिस्ट्री होगी। जैसे हिमालय पर्वत आज बहुत ऊंचा है लेकिन कभी वहाँ पर टिथिस भूसन्नत थी। इसी प्रकार अपलेशियन और अरावली कभी युवावस्था में थे और आज वहाँ पर कई अपरदनात्मक सतहें मिलती हैं और अपनी वृद्धावस्था में हैं। इस तरह से क्रोनोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। किसकी? रॉक्स की, जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? हम रिलीफ की हिस्ट्री पढ़ते हैं और सब स्थल रूपों का इतिहास पढ़ते हैं। उस इतिहास को बदलता कौन है? डेनुडेशन, अनाच्छादन। आइए हम लोग देखते हैं कि डेनुडेशन क्या है और क्रोनोलॉजी क्या है। डेनुडेशन माने अनाच्छादन, अनावरण। आवरण का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे एक थाल में रखी हुई जलेबी जिस पर मक्खियां दौड़ रही हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए उस पर एक कपड़ा का आवरण रख दिया जाए, इसको कहा जाता है आच्छादन, आच्छादित कर देना। लेकिन कभी तो जलेबी खाने की इच्छा होगी ही, तो आप कपड़े को जलेबी से हटाएंगे, इसको कहा जाता है अनाच्छादन। बस यही अनाच्छादन का कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई चट्टान है, कोई पर्वत है, स्थल रूप है, तो इसके ऊपर की परत को कोई हटा दे, इसी को अनाच्छादन कहा जाता है। हटाने वाला होगा कौन? दो प्रोसेस। पहले तो इसको चूर्ण में बदलना होगा जिसको कहा जाएगा अपक्षय। जब इसका अपक्षय हो गया, अब उसके बाद छह प्रक्रम हैं, जली, वायु, हिमानी इत्यादि, वो आएंगे और इस अपक्षय चट्टान चूर्ण को हटा देंगे। इस तरह से अपक्षय और अपरदन दो मिलकर करते हैं अनाच्छादन। अब हम लोग देखते हैं कि डेनुडेशन का अर्थ होता है अपक्षय और अपरदन। और अपक्षय कितने टाइप का होता है इसको आप लोग अच्छी तरह से सीख चुके हैं। एक होता है मैकेनिकल या फिजिकल, यांत्रिक अपक्षय। दूसरा होता है केमिकल, रासायनिक। तीसरा होता है बायोलॉजिकल, जैविक। और जब चट्टानें अपक्षयित हो जाती हैं तो उनको हटाने के लिए कई प्रोसेस पृथ्वी की सतह पर काम करते हैं जिनकी जननी वहाँ की जलवायु है। जैसे फ्लूवियल जलीय प्रक्रम द्वारा अपरदन होता है, वायु एवलियन प्रोसेस, कार्स्ट प्रोसेस, मैरीन समुद्री प्रक्रम, ग्लेशियल हिमानी प्रक्रम और पेरीग्लेशियल परिहिमानी प्रक्रम। अब क्या यह अपक्षय अपरदन या कह लीजिए यह डेनुडेशन आज से ही काम करना शुरू किया या बहुत पहले से कर रहा है? पृथ्वी पर जब चट्टान बनी, जलवायु आ गई, तो उसी समय से यह कार्यक्रम शुरू हो गया। इसलिए इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या समय क्रम में पढ़ते हैं। यह है क्रोनोलॉजी, समय विज्ञान, इतिहास। कोरोलॉजी क्या है? ज्योग्राफी। अब क्रोनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी इन टाइम पर्सपेक्टिव, समय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन। समय कब से पृथ्वी शुरू हो रहा है? कैम्ब्रियन पीरियड से लेकर और आज होलोसीन पीरियड तक। भारत में भी आर्केइन युग की चट्टानों से लेके और प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग की चट्टानें हैं और आज भी चट्टानों का निर्माण हो रहा है, विशेष रूप से हिमालय और ऊंचे पर्वतों से आने वाली नदियां अवसाद का निक्षेप कर रही हैं और नूतन जलोर चट्टानें बन रही हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस डेनुडेशन, क्रोनोलॉजी या अनाच्छादन, कालानुक्रम
को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है टू स्टडी जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भौगर्भिक इतिहास का अध्ययन करना। जैसे हम मानव इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसके राजनैतिक सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, उसी तरह से जियोमॉर्फोलॉजिस्ट का एक काम है कि पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को अपने मस्तिष्क में रखे कि कब कहाँ कौन पहाड़ बना, और इससे हम पैलियो क्लाइमेट का भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। पैलियो क्लाइमेट का मतलब कि यदि भारत के पठार पर टार्स मिलते हैं जो परिहिमानी प्रक्रम के हैं, तो या तो भारत में परिहिमानी प्रक्रम कभी रहा होगा जो असंभव है, दूसरा विकल्प बनता है कि भारत ही परिहिमानी क्षेत्र में रहा होगा, अर्थात यह साउथ में था, अफ्रीका के साथ था, साउथ पोल से उत्तर आया और उसके लक्षण या उसके चिन्ह आज भी टार्स के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से वर्तमान भूत की कुंजी है, हम लोग इसके आधार पर पीछे का अध्ययन कर सकते हैं। और पैलियो बॉटनी, हम पूरा वनस्पति विज्ञान का भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क में बहुत पुराने जीवावशेष मिलते हैं जो इस बात के सबूत हैं कि वह पहले और साउथ में इक्वेटोरियल रीजन में स्थित था। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रोनोलॉजी को प्रभावित करते हैं। हम लोग डेनुडेशन समझ गए इतना, और क्रोनोलॉजी की डिफिनीशन भी समझ गए। क्रोनोलॉजी को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, दो मेन फैक्टर हैं, जैसे एक चेंज इन क्लाइमेट रिजीम, जलवायु संघटकों में परिवर्तन। जलवायु कब बदलेगी, जब दो चीज़ें काम करेंगी, या तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल कूलिंग। यदि वह स्थलखंड, वह महाद्वीप उसी स्थान पर है तब यह क्लाइमेट चेंज होगी, यदि वहाँ पर ग्लोबल कूलिंग हुई। उदाहरण के लिए कार्बोनिफेरस काल और प्लीस्टोसीन काल में ग्लोबल कूलिंग हुई, और ग्लोबल कूलिंग के परिणाम स्वरूप वहाँ पर प्रक्रम बदल गए, अर्थात जहाँ आज जलीय प्रक्रम है, जहाँ उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, वहाँ पर ठंडी जलवायु थी, और जलीय प्रक्रम के जगह पर ग्लेशियल और पेरी ग्लेशियल, हिमानी और परहिमानी प्रक्रम काम कर रहे थे, और उनके द्वारा निक्षिप्त मटेरियल या उनके द्वारा बनाए गए निक्षेप जनित स्थल रूप आज भी वहाँ हैं, और उन प्रक्रमों के द्वारा बनाए गए अपरदनात्मक स्थल रूप भी आज वहाँ पर मिलते हैं। इस तरह से हम पूरा जलवायु के आधार पर यह ज्ञात कर सकते हैं कि वहाँ पर डेनुडेशन क्रोनोलॉजी चली थी। और दूसरा फैक्टर होता है कि यदि क्लाइमेट न चेंज करे और कॉन्टिनेंट से एक क्लाइमेटिक रीजन से खिसक कर दूसरे क्लाइमेटिक रीजन में चले जाएं, जिसका कारण क्या होगा, टेक्टानिक फोर्स, तो भी वहाँ पर डेनुडेशन क्रोनोलॉजी का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे भारत को ही देख लीजिए, कभी यह अफ्रीका या मेडागास्कर से लगा हुआ साउथ की तरफ था, लेकिन आज यह उत्तर आ गया है और भूमध्य रेखा के उत्तर, और धीरे धीरे उत्तर पूरब बढ़ भी रहा है। तो इस स्थिति में भारत एक समय शीत कटिबंधीय जलवायु में था, फिर शीतोष्ण में आया, फिर आज उष्ण में है, उपोष्ण में है, और धीरे धीरे उत्तर पूरब की तरफ फिर शीतोष्ण में जा रहा है, और अंत में नॉर्थ पोल पर पहुंचकर शीत जलवायु में पहुंच जाएगा। और इस तरह से इस पर काम करने वाले प्रक्रम, कभी हिमानी प्रक्रम काम कर रहा था, कभी परिहिमानी, कभी आर्द्र उपार्द्र उष्ण, इस तरह से प्रक्रम अपनी छाप उस पर छोड़ देते हैं। किसके द्वारा, इरोजनल लैंडफॉर्म, अपरदनात्मक स्थल रूप और निक्षेप जनित स्थल रूपों के द्वारा। ये रहा कंट्रोलिंग फैक्टर दो जो कि क्रोनोलॉजी को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं कि डेनुडेशन क्रोनोलॉजी को समझने के लिए क्या मेथड्स या क्या टेक्निक होती हैं, अर्थात हम अगर वहाँ के
लैंडफॉर्म और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से बात करें तो वह पुरानी कहानी बताती हैं। उसमें पहला मेथड है इरोजनल सरफेस एंड डिफरेंट हाइट्स। हम लोगों ने अपरदनात्मक सतहों का अध्ययन एक अलग टॉपिक में, एक अलग वीडियो में किया है, तो इस तरह से आप उस मैटर को यहाँ पर ला सकते हैं। और इरोजन सरफेस के निकालने की दो विधियाँ भी हम लोग डिस्कस किए थे। एक ड्रेनेज बेसिन का उदाहरण लेकर, एक था एरिया हाइट डायग्राम या अल्ट्रीमेट्रिक हिस्टोग्राम, और दूसरा था प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। उसके आधार पर हम लोगों ने इंडिया में भी अरावली पर, अपलेशियन पर, छोटा नागपुर पठार पर तीन इरोजनल सरफेसेस का अध्ययन किया था। दूसरी पहचान होती है यह मेथड अपलिफ्टेड पेनीप्लेन एंड मोनाड नाक। हम लोग इसका भी अध्ययन एक अलग वीडियो में कर चुके हैं, जहां पर रिजुवेनेशन और पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म की बात कही गई है। और बहुचक्रीय स्थल रूपों में एक प्रमुख स्थल रूप होता है अपलिफ्टेड पेनीप्लेन, उत्थित संप्राय मैदान, और उसमें पाए जाते हैं मोनाड नाक। इसलिए उस मैटर को भी यहाँ पर लाकर आप जोड़कर और इसका उत्तर इलेबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वारबा डिपॉजिट इन लेक्स, झीलों के अवसाद को, निक्षेप को वारबा डिपॉजिट कहा जाता है। ये कैसे पढ़ा जाता है? हम किसी झील में उसको अरलसी को ले सकते हैं या किसी भी झील को, उसमें हम जब अवसादों की गहराई का एक क्रॉस सेक्शन तैयार करते हैं, अर्थात उसके अंदर जमा हुए मटेरियल को खोदकर परत दर परत उसका अध्ययन करते हैं, तो कभी एक परत में बारीक चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है, ठीक उसके नीचे दूसरी परत में बड़े बड़े कण पाए जाते हैं, और नीचे तीसरी परत में बड़े बड़े बोल्डर पाए जाते हैं। क्या इसके आधार पर आप वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस का अनुमान लगा सकते हैं या नहीं? हाँ, बड़े बोल्डर का निक्षेप जिस समय हुआ उसका पता आप कार्बन डेटिंग से कर सकते हैं, और अगर टाइम पता लग गया तो यह अनुमान लगा सकते हैं कि उन बोल्डर को लुढ़काने के लिए, उनका परिवहन करने के लिए कितने जल की ज़रूरत पड़ी होगी, और वहाँ का ढाल निकालकर और उतना जल कोई लाया नहीं होगा, अर्थात बरसात हुई होगी, और इस तरह से हम पूरा जलवायु का अध्ययन आकलन कर सकते हैं। किसके आधार पर? उस सेडिमेंट के आधार पर। तो इसका अध्ययन हम लोग डेल्टा के आधार पर भी करते हैं, जिसको डेल्टालॉजी कहा जाता है, सेडिमेंटोलॉजी। लेकिन सेडिमेंटोलॉजी अवसाद विज्ञान का ही एक पार्ट ये भी है, वारबा डिपॉजिट। किसी भी अंतःस्थलीय झील में जमा हुए अवसाद के निक्षेप को वारबा कहा जाता है। हमारा अगला तरीका मेथड है डेल्टा एंड कोस्टल सेडिमेंटोलॉजी। जैसा कि अभी हम चर्चा किए थे, नदियाँ समुद्र के किनारे अपने त्रिभुजाकार डेल्टा का निक्षेप करती हैं, और उसके वैज्ञानिक अध्ययन को अवसाद विज्ञान सेडिमेंटोलॉजी कहा जाता है, और वहाँ पर सेडिमेंट का इन्वर्जन भी पाया जाता है, अर्थात नदियाँ जिस सेडिमेंट को पहले ले जाएंगी वह वहाँ पर नीचे जमा होगा, फिर नदी अपनी घाटियों को गहरा करके जिसको बाद में ले जाएगी ऊपर जमा होगा। इसको स्ट्रक्चरल संरचनात्मक व्युत्क्रम भी कहा जाता है। जैसे भारत में गोदावरी, कृष्णा नदियों ने अपने डेल्टा के साथ किया है। इसी आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि पहले के समय में कैसी जलवायु रही होगी, पूरा जलवायु, और सेडिमेंट कितनी मात्रा में और किस स्तर का बहाकर लाया गया होगा। अगला हमारा डिनोटेशन क्रोनोलॉजी को सीखने का आधार है स्टडी ऑफ रॉक फॉसिल्स एंड आउट क्रॉप्स। हम लोग देखते हैं कि हमारी चट्टाने कुछ अवशिष्ट रूप में पड़ी रहती हैं, जैसे मोनाड नाक हुआ, ग्रीवाखंड हुआ, ये सब फोल्डेड माउंटेन
में मिलते हैं और हर मोड़दार पर्वत भूसन्नत से निकलता है। हर भूसन्नत में जीवावशेष होता है, इसलिए इनके जीवावशेष के कार्बन डेटिंग मेथड के आधार पर इनके समय का हम पता लगा सकते हैं। और समय का अगर पता लग गया तब हम वहाँ की क्लाइमेटिक और अन्य कंडीशंस की स्टडी कर सकते हैं। इस तरह से डेनुडेशन क्रोनोलॉजी अनाच्छादन कालानुक्रम सीखने की यह एक विधि है। इस तरह से यह पांच विधियां हैं, पांच मेथड हैं जिनके आधार पर हम अनाच्छादन कालानुक्रम को पढ़ सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका उदाहरण, क्योंकि जियोलॉजिस्ट और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ा है वहाँ के स्ट्रक्चर और रिलीफ को देखकर वहाँ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को सीखने का, और इसीलिए तो यह डेनुडेशन क्रोनोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। अनाच्छादन कालानुक्रम के पांच मेथड या तरीकों को सीखने के बाद आइए हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड के कुछ जियोलॉजिस्ट और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने डेनुडेशन क्रोनोलॉजी का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया है। जैसे भारत में डेनुडेशन क्रोनोलॉजी इंडियन सरफेस का यह मतलब हुआ कि पेनिनसुलर प्लेटों में इरोजनल सरफेस, विशेष रूप से तीन अपरदनात्मक सतहें वहाँ पाई जाती हैं, जिसका अध्ययन हम लोग इरोजनल सरफेसेस इन इंडिया में किया था और डिस्कस किया था कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर किस तरह से पश्चिम से पूर्व अपरदन सतहों की ऊँचाई कम होती जाती है, जो 900 मीटर, 600 मीटर और 300 मीटर हो जाती है। और इसी तरह से वर्ल्ड के अन्य भागों जैसे अरावली अप्लेशियन में जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने इरोजन सरफेस निकाला है, जैसे कि अप्लेशियन में स्कूली, हैरिसबर्ग और सामर विले, जो कि पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म का एक मुख्य स्वरूप है। अब हम लोग देखते हैं कि क्राइटेरिया इसका क्या होता है। डिफरेंट इरोजन सरफेस, विभिन्न अपरदन सतहें ही इसके अध्ययन का एक आधार होता है। और विभिन्न अपरदन सतहें कैसे निकाली जाती हैं, अपरदन सतहों के भी कई टाइप हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस अलग अलग ढंग से अपरदन सतहों का विकास करती हैं। जैसे जलीय प्रक्रम की अपरदन सतह अलग होगी, समाना रीजन के प्रोसेस की अलग होगी, हिमानी क्षेत्र की अलग होगी, वायु और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की अपरदन सतहें अलग होंगी। इसका भी हम लोग डिटेल्ड अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उस मैटर को ला के आप जोड़ सकेंगे, जैसे पेनी प्लेन है WM डेविस का, और एंड्रम्प है ये टैंक का, और इस तरह से पान प्लेन है, फिर एच प्लेन है, और पेडी प्लेन है, और पान फैन है। इस तरह से जलीय, शुष्क, अर्ध शुष्क और सवाना क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं इरोजनल सरफेस का। और यह इरोजनल सरफेस आधार बनती हैं हमको डेनुडेशन क्रोनोलॉजी या अनाच्छादन कालानुक्रम को सीखने का।